पार्लों में काफी लड़े, अच्छी बात है, पर साथ अगर देना, जैसा अभी हमारे किसान यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे बोर्ड के गए, बड़ा हमको बुरा लगा जब उन्होंने बाद में हमसे बोला कि ये जनता है आपकी, ठीक है 300 बैठे ज्यादा देर भैया बोल रहे। समस्या इस चीज की है कि जो वादे हम लोगों ने किए 20,000 जनता 20,000 में 2,000 तो आना चाहिए, किसकी कमी है? आप मोदी की कमी बोल रहे हैं, योगी की कमी बोल रहे हो, कभी आपने अपना डिले बात देखा? देखो कि हमारी क्या कमी है, पैसा हमारा फंसा है कि मोदी का फंसा है? पैसा किससे लेना है भाई? मोदी से लेना है ना, तो मोदी के पास कौन गया? कौन गया? दो गए, फिर अगले बार चार गए, उसके बाद आठ गए, फिर दो गए, ऐसे पैसा मिल जाएगा? अरे पैसा लेना है, मजाक कौन कर रहे हो? कम से कम 1.5 सालों में यही देख रहे हैं। और भाई जी ये लड़ाई जो है सारी कंपनियों को लेना मजबूरी पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं संख्या हमारी बढ़े, ये कार्यक्रम किया गया। पर समस्या इस चीज की है कि सबसे बड़ी आज हम लोगों के सामने समस्या ये है कि व्यक्ति फोन पर ऑनलाइन रहता है पर जमीन में ऑफलाइन रहता है। तो भाई पैसा भी ऑफलाइन लेते हो, मोदी बोल तो रहे हैं 2500 रुपए मिल तो रहा है, ले भाई जी बोले अभी हमारे कार्य छुट्टी है भाई सब साथ में आए, बोले 2500 मिले, आए महीने में 2500 मिले, जिनका 5,00,000 जमा है मिल जाएगा 50 साल में मिलेगा। गोल्डन भारत का नाम किन किन लोगों ने सुना है? अगर किसी ने निवेश किया हो तो हाथ उठाते, या गांठ कटता रहा हो तो मिला, लगभग 98-99 की बात है, उस समय तो काम कर रहे थे हम 94 की ट्रेनिंग है हमारी पास पास नहीं, तो 98 में 2,000 कंपनियां बंद हुई थी, आज भी हमारे पास पेपर की कटिंग है 2,000 जिसमें गोल्डन भारत और बढ़िया कामगार होता है। आज 20 साल बाद 2018 बाद आवेदन मांगे गए कि नहीं मांगे गए? तो भाई हमारा भी मिल जाएगा पैसा, ऐसे मिलेगा जैसे आप लोग आए हो सब लोग ऐसे मिल जाए। और होता क्या है कि साला गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है, समझ रहे हो आप लोग? गेहूं के साथ में घुन पिस रहे हो आप तो आए, और जो फोन पर पूछ रहे हैं भैया पैसा कब मिलेगा, बस भैया पैसा मिल रहा है जैसा शुक्ला जी ने बोला है कि जैसा जो प्रश्न करे वैसा ही उसको उत्तर दे दो, पैसा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा हाँ भैया मिलेगा। अगर ये चालू कर लोगे आपको बता रहे ये संख्या बल बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम 26 तारीख के बाद में हम लोगों को कोई भी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं देनी है जो घरों से नहीं निकल रहे, प्रधानमंत्री बना दो क्या हो पाएगा? आज 4 साल में मोदी बहुत बढ़िया थे तभी तो हम लोगों ने बैठाला था, तो क्या एक मोदी से पूरा देश चल जाएगा? क्या विकास की पार्टी या इनके या रवि शंकर जी के द्वारा क्या ये पूरा संगठन चल जाएगा? आप लोगों की हमको जरूरत है, जरूरत का मतलब ये कि देखिए कितने लोग थे कितने लोग बचे, क्या दिक्कत हमारे सामने नहीं है? क्या दिक्कत इनके सामने नहीं है? क्या आपके पास नहीं है? किसके पास नहीं दिक्कत है? ए भैया वो 4 बजे ट्रेन है अब जान, क्योंकि ये कहावत है कानून में कि जबरदस्ती की बजार नहीं लगती है, जबरदस्ती बजार नहीं लगती है, ये छूट बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर यही संख्या बढ़ रही तो पैसा भाई साहब नहीं जीवन में चलिए क्या समझिए, क्योंकि 1,000 में बोर दिखता है हमारी बताया कहानी बताई थी, पर भाई साहब मालूम है ये जो नेता आते हैं ना ऐसा नशा चढ़ा देते हैं कि आदमी ये कहानी भूल जाएगा उसमें, ये नेता ऐसे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि शुरू से करते रहे कमीशन वाला भारत बस में लोग वो तो है नहीं, वो नशा हम लोगों ने किया नहीं है उसका ज्ञान है नहीं, जो नशा मैंने किया उसका ज्ञान है। पर
ठीक है, हम आपका समर्थन कर रहे हैं, जुड़ेंगे और जुड़े हैं और मेहनत भी करेंगे। पर भाई साहब एक बात बता दे, अगर चुनाव निकल गया तो पैसा नहीं मिलने वाला है। 30 साल में गोल्डन फॉरन कभी, 10 साल में हम लोगों को मिलेगा अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो, ये भी हम बता दें। क्योंकि आज कोई भी विपक्ष हो, किसी विपक्ष ने सीधा ब्रीफ के नहीं कहा कि हम विधानसभा में आग लगा देंगे, संसद में हम अपने आप को आग लगा देंगे। ऐसा बस ऐसे ही है जैसे आपने कह दिया, बहुत बढ़िया भाई, हम आएंगे आएंगे आएंगे, वैसे ही वो नेता विपक्ष के। और जो भी विधायक या सांसद बन जाता है उसके अंदर एक नशा पैदा हो जाता है, गलत कह रही हो तो बता दीजिए, चाहे आपका बहुत ही बड़ा समीप का व्यक्ति हो वो आपको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो सत्ता के नशे में है, उसका परंपरा उसके घर में लागू हो गई एक विधायक बनने की, नहीं है तो पेंशन तो मिल ही रही है, सुख सुविधाएं तो मिल ही रही है, गलत कह रहे हो तो बताइए, जो तुम्हारे पीछे आएगा भाई। अगर हम लोगों को पैसा देना है आपको, हम बता दें जमीन में उतरना पड़ेगा। और ये केवल 2 महीने, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं लगातार कह रहा हूँ कि नवंबर में या आर ओ पार चुनाव हम ना देखे, क्योंकि तो ये बहुत गंदे कीड़े हैं, ये ऐसे कीड़े हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं ये आपको गंदा कर देंगी, किसी के बैग नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हमने चुनाव के पहले पेमेंट ले लिया तो ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर चुनाव का ये जो बात हो रही है, तो ये बता रहे, अगर ये बात कहीं फैल गई कि पिपल्स वाले अब चुनाव में, तो कहेंगे किसी पार्टी से गठबंधन हो गया पिपल्स वाले, और पिपल्स वाले कहेंगे वो सत्ता पद वाले अब इनको, क्योंकि तो बहुत गंभीर चीज है, वो ऐसी बोलते हैं वहां से कुछ यहाँ से कुछ बोला जाता है, ठीक, वो कहता है वो उन्हीं की है पार्टी, समझे, और पिपल्स वाले कहते हैं वो सत्ता पक्ष वाले छोड़े गए हैं, छोड़े गए हैं, जो होता है। तो सच्चाई आपको बता दे, पैसा हम लोगों को देता है अभी, ठीक है, सब कुछ है, तैयार है, ये मेरी है, मेरी पर्सनल लड़ाई है, अभी हमें लड़ाई चुनाव आचार संहिता के पहले, चुनाव आचार संहिता के पहले, एक लफ्ज सुनिएगा, हम लोग केवल केवल अपने भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच के तहत अपनी बात रखे दबा देंगे, जो 2500 का आवेदन हुआ है शायद बढ़ जाए, तो सारा मुखिया है कि मोदी तो हो सकती है पागल है, आपको बता दे अभी हमें यही करने दो, और 25 नवंबर में विस्तार कार्यक्रम होने दो, अगर सब लोगों ने साथ दिया तो भाई साहब पैसा तैयार बिल्कुल है। क्योंकि अगर LIC से एक कोई कंपनी आई है, वीडियो मेरे पास आया हुआ है, उसको 1,20,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है लोन, किसे? LIC और SBI बैंक से, संकट में वीडियो अभी दे दूंगा आपको, ये दिया जा रहा है पैसा, भाई साहब हम लोगों का 2 मिनट मिलेगा, केवल ताकत अपनी दिखानी है, अनुमान की तरह आपको अपना स्मरण करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। और नहीं तो देखो भैया, हमारा जो निवेशक है मेरे घर नहीं आया अभी तो, नहीं आया क्योंकि लड़ाई अपने जमीन की लड़ा हूं, चाहे परिवार की हो चाहे अपने निवेशकों की हो, मैं लड़ रहा हूँ, ऊपर वाला शक्ति भी दे रहा है और मैं दौड़ रहा हूँ, और मैं जाऊंगा हर जगह जाऊंगा, पर अगर एक व्यक्ति खड़ा करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हनुमान प्रभु राम को भी पूरी सेना की मदद लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी नहीं, वैसे ही सारे लोग ईमानदारी से काम कीजिए, आप जो भी व्यापार करते हो, हम लगातार यही बोल रहे हैं आज 6 महीने से कि काम कुछ भी करो आप, परिवार भी चलाना है प्लस उन निवेशकों के भी परिवार को देखना है, मेरे पास पैसा होते हुए भी आपको मैं आत्मा की बात बता रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में 25 दिन लगा जिसके कारण मेरे को मलेरिया हो गया, 3 दिन से मेरे को ज्यादा देकर बुखार आ रहा है, क्यों रहा? क्योंकि मैं उन निवेशकों के सामने किसी नर्सिंग होम का पैसा और फोटो नहीं भेज सकता था, मजबूरी थी, क्योंकि उसका पैसा हमने फंसवाया, आज वो सरकारी हॉस्पिटल में मर रहा है और मैं किसी नर्सिंग होम में रहूं, गलत है ये, मेरा जमीन नहीं बोलता, बोलता तो बताइए, मैं सारे को सूट बूट पहन के निकलू और मेरा निवेशक खत्म,
कपड़ा पहन के निकले अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सभी भाइयों से पुनः एक बार मेरा निवेदन है, एक जिले में बहुत आदमी है, दुख हुआ पर हमें उससे मतलब नहीं, इतने ही लोग हैं, इतने ही लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ईमानदारी से सहयोग और साथ दे दिया तो बहुत बड़ी हम लोग रामलीला रच सकते हैं और अगले दशहरे में हम लोग एक विशाल रावण का कार्यक्रम और उसका दहन करेंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं, अगर विश्वास के साथ में और ईमानदारी के साथ में आप लोगों ने सहयोग किया, भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच को विकास की पार्टी को नहीं, केवल क्योंकि विकास की पार्टी तो ऐसा है कि नाम ही रख दिया गया था, पता नहीं मेरे माँ बाप ने कि सबका साथ ले लिया मोदी ने और सबका विकास, तो मैंने उसको बदला सबके साथ तब सबका विकास तब लगा दिया। तो भैया सब लोग साथ दे दो तभी विकास का विकास हो जाए। इसलिए महेंद्र पाल जी हमारे जो है 16 मुकदमे हैं जो प्रक्रिया की जा रही है, कुछ ना कुछ राजनीतिक मंच बनाने का कुछ कारण है, उनका भी ईमानदार व्यक्ति है और सातवीं रैंक तक उन्होंने काम भी किया है जो हमको उन्होंने बताया, जानकारी हमको है। इसीलिए उस व्यक्ति को अगर वो व्यक्ति बैठ रहा है हमारे और आपके लिए तो उनका साथ दो, कम से कम हर जिले से प्रतिदिन 5 आदमी लीजिए। बहुत बड़ी टीम है आप लोगों के पास, हनुमान की तरह अपना अपना स्मरण कीजिए कि 1,000 आदमी का हम लोग पीड़ा उठा के चलते थे कि नहीं, आज क्या हो गया हमारे यहाँ गोविंद नगर में रहते थे, दूसरों को नटराज सिनेमा एक है उसके पीछे हिंदुओं की बस्ती है, ठीक है। तो हमारा एक मित्र रहता था मिश्रा था, तो हम लोग उसको कहते थे हिजड़ों के बीच के, आज मेरी पोजीशन वही हो गई है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा बलवान मानते थे, पर हम अपने आप को जब आते हैं बैठकों में तो ये समझते हैं कि हमारे वो साथी कहाँ गए जो रणभूमि में दौड़ते थे, आज हमको ये महसूस होता है हम उन्हीं हिजड़ों के बीच में है। बुरा लगे तो भाई साहब हमको यही कभी बोल देना, पर भाई साहब साथ दीजिए क्योंकि निवेशकों को और एकदम भर के आप लोगों ने पैसा जमा कराया था, आज लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, कर्जा लिए हुए हैं मेरी ओर देख रहे हैं, मकान नहीं बनवा पा रहे हैं हमारी ओर देख रहे हैं, गलत कह रहे हो तो बताइए क्या हमारा जमीन बोलता है, ऐसा नहीं है। नेता जी बताते हैं बहुजन समाज पार्टी बहुत बुराई करते हो भाई, उसकी अच्छाइयां तो नहीं देखो इन पार्टियों की नेताओं की, क्या उन्होंने त्याग किया है। बहुजन समाज पार्टी के 4 लोग झंडा लगा के साइकिल में चलते थे, आज 225 सीटें यूपी सबसे बड़ा प्रदेश वहां पे उन्होंने सरकार बनाई अपने दम पे, बनाई कि नहीं बनाई, कैसे बनाई भाई। अगर आप लोग भी वैसे ही कार्यक्रम नहीं है तो नहीं करेंगे भाई, करेंगे तब तो, क्या 2014 में उन्होंने सोचा था मोदी ने कि हमारी सरकार बनेगी, नहीं सोचा था, और क्या भी सत्ता के नशे में थी तभी तो भाई फरवरी 2014 को उन्होंने छापा मरवा दिया है, क्या उनको वोटों की दिक्कत नहीं थी, क्या उनको चिंता नहीं थी, क्यों मरवा दिया भाई। उस समय बनारस में एक हमारे यहाँ स्टाफ था, उसकी यहाँ साथी थी इलाहाबाद में सचिव श्रीवास्तवा, जैसे ही चाय पीने चले वैसे ही पेपर में देखा पढ़ गुरु अमर उजाला पहला पेज, बताइए चुनाव के 4 महीने पहले कितना बड़ा झटका, क्या कांग्रेस को दे नहीं थी, मोदी को हम बोलते हैं मोदी से ज्यादा कांग्रेस की इस कंपनी को बंद कराने में हाथ है, एक बात, दूसरी बात उसके बाद में इनकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि तो अगर लड़का जुम्मी है तो कहीं बाप की जुम्मी है क्योंकि तो उस परिवार का राशन कार्ड में नाम है, गलत कई लोग बताएंगे। इसलिए राजनीति हमें करनी है पर वक्त पर, क्योंकि वक्त के पहले नहीं, शमशान में हम डीजे नहीं बजा सकते, बजा सकते शमशान में डीजे नहीं बजा सकते और किसी के परात में भैया राम राम शब्द नहीं कह सकते, कह सकते तो समय के पहले कोई बात नहीं, ठीक है तैयारी कीजिए, बंद कमरे में मीटिंग हो रही है कोई बात नहीं, तैयारी हो पर 25 नवंबर के बाद में यह आवाज उठेगी, पहले आर और पार एक निवेशक और एक सरकार के बीच की लड़ाई होनी चाहिए, न कोई बैनर होगा न कोई नेता होगा, केवल और केवल एक
होंगे। अगर गलत हो तो मेरे आपको राजनीति मंच पर तो कब जाएगा, पैसा उसका नहीं मिल पाएगा। ये सब राजनीति पार्टियां सबको खाती है सब। और भाई साहब आप दबा दिए जाओगे, इसलिए नवंबर तक कुछ नहीं, मैं विकास की पार्टी तो ये कार्यक्रम करेगा नवंबर में। सबके सब देखोगे, हमारे परिवार को आप लोग देखोगे और विकास की पार्टी तो सरकार को दिखा देगा कि हम क्या करने वाले किसी के साथ। नमस्कार।